Good morning, students. Today I will teach you about the cognition in animal, which is a topic of class 10 biology. In this topic, I will discuss about the coordination in the different types of animal. Already know that the detectable change in the environment is called the stimuli, and the reaction toward the stimuli is called the response. This is very important function of the living. So a system is present to control this, to detect our environment. This is called the nervous system and endocrine system, which maintain our body according to the surrounding. तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की. जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्लांट हार्मोन की चर्चा की थी, प्लांट के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की चर्चा की थी. उसमें हमने जो है स्टिमुलस और इसकी बात की, ठीक है ना, स्टिमुलस और जो है बात की रिस्पॉन्स की. तो आज जो है हम लोग एनिमल के कोऑर्डिनेशन की चर्चा करेंगे. जैसा कि हम यूनिसेलुलर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर लिविंग की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा केस में कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्योंकि एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है. तो अमीबा के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अपने पूरे होल सेल को स्टिमुली के तरफ या स्टिमुली के दूर होकर अपना रेस्पॉन्स शो करता है. पूरा होल बॉडी जो है वो शो करता है, क्योंकि सिंगल सेल का बना होता है. क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं अमीबा ऐसे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक सिंगल सेल कंट्रोल करता है. लेकिन जैसे कि हम लोग मल्टीसेलुलर की बात करें, तो मल्टीसेलुलर के केस में पूरा सिस्टम, जैसे कि हम लोग अपनी बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के केस में पूरा सिस्टम है, डेवलप सिस्टम, ठीक है. उसको हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. ये हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है. आइए इसके लिए जो है हम लोग एनवायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेंस होगा, ठीक है. एनवायरमेंटल चेंज को यूनिसेलुलर बॉडी, होल बॉडी हो गया यूनिसेल, ठीक है. अगर हम हाइड्रा की बात करें, जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर है, ठीक है, हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा के केस में क्या है, हाइड्रा के केस में नर्वस सिस्टम डेवलप है, ठीक है. नर्वस सिस्टम जो है वहां पर नर्व सेल, यहां पर नर्व सेल्स होते हैं, और इस नर्व सेल के द्वारा यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. लेकिन अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें, वेल डेवलप इंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप वर्टिब्रेट्स, ठीक है. तो हम अपने एनवायरमेंटल चेंज को अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर दो बातें हम भी चर्चा करेंगे, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर की. एनवायरमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास में मौजूद है, ठीक है, जिस सेल के द्वारा हमें पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है. रिसेप्टर्स यानी स्टिमुली के लिए रिसेप्टर्स और रिस्पॉन्स के लिए इफेक्टर्स, ठीक है. स्टिमुली के लिए रिसेप्टर, तो रिसेप्टर में हम लोग बात करेंगे अपने सेंस ऑर्गन की, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है. अब स्टिमुली क्या होगा, स्टिमुली आई का लाइट या साउंड, स्मेल, टेस्ट, अब उस रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, आई के रिसेप्टर को आप कहते हैं फोटो रिसेप्टर, ईयर को कहते हैं फोनो रिसेप्टर, नोज को ऑल्फैक्टरी, टेस्ट के लिए ऑस्टेटरी, और हीट और कोल्ड की बात करें तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, वो है थर्मो. ठीक है, थर्मो रिसेप्टर. तो गुस्टेट्री और फैक्ट्री फोनो ये हमारा है. इफेक्टर्स क्या है, इफेक्टर्स हमारे बॉडी का वो पार्ट है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स होकर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के प्रति यानी स्टिमुली के प्रति जो रिस्पॉन्स होकर उसको हम लोग इफेक्टर कहते हैं, ठीक है.
ठीक है, स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स शो करता है उसको एफेक्टर, तो बेसिकली एफेक्टर के लिए मसल्स एंड ग्लैंड्स ये दो जाने जाते हैं, और ग्लैंड ही आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो मसल और ग्लैंड जो है वो इफेक्टर के लिए, यानी कि जो रिस्पॉन्स शो किया जाता है उसको हम लोग इफेक्टर करते हैं, ठीक है ना। और जो स्टिमुली डिटेक्ट होता है जिस पार्ट से उसको हम लोग रिसेप्टर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूरोलॉजी की भी चर्चा करते हैं, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना आपके सामने। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इनसे जुड़े बीमारियों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसी लगभग 600 बीमारियां हैं, ठीक है, 600 डिजीजेस, इसमें ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, ये सब जो है आता है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दो टर्म रखा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजी, ठीक है, ये दो टर्म मैंने आपके सामने रखा। हम लोग क्लासीफाई करते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। उससे पहले नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में, यहाँ मैंने आपको रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में बताया कि किस तरह से स्टिमुलस जो है हमारे बॉडी में एक्सेप्ट होता है, जिस पार्ट में स्टिमुलस का जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो लाइट के प्रति आई, ये जो हमारा सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स होता है, और मसल्स और ग्लैंड्स जो होते हैं वो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हम नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंस की चर्चा करें तो नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स वो करता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग थ्रू द सेंस ऑर्गन, रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग थ्रू द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के द्वारा रिस्पॉन्ड, और साथ ही साथ रिमेंबर थिंक एंड रीजन के लिए हेल्प, ठीक है, हेल्प इन एनेबल अस टू रिमेंबर थिंग, कुछ सोचने में, समझने में, स्टोर करने में हमारे में ये नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। आइए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करें। नर्वस सिस्टम को दो हिस्से में बांटेंगे, एक को हम लोग सी एन एस कहते हैं, एक को हम लोग पी एन एस कहते हैं। सी एन एस का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पी एन एस मीन्स पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस दो हिस्से में हमने बांट दिया है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस और सीएनएस। सीएनएस के अंदर हमारा दो आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के पांच के नाम को क्लासिफाई कर देंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, एडमेडुला, ये आपके पार्ट सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला, ठीक है। इसको मेडुला कंप्लीट नेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा OBLONGATA, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, पेरिफेरल में क्लासिफाई करेंगे तो सोमैटिक और ऑटोमेटिक, सोमैटिक में आता है क्रैनियल एंड स्पाइन, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है, सोमैटिक में आता है क्रैनियल एंड स्पाइन, क्रैनियल में कुल मिला के 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स आते हैं,
और इसमें 31 प्लेयर्स, स्पाइनल जो स्पाइनल कोर्ट से जुड़ा हुआ, क्रैनियल जो है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ, क्रैनियल एंड स्पाइनल जो है हो गए नर्व्स। और इसमें हम बारे में बात करेंगे ऑटोनॉमिक के, ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमिक कहा जाता है, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक की, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पारासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पारासिंपैथेटिक, ये ऑटोनॉमिक जो है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रैनियल 12 पेयर्स एंड स्पाइनल 31 पेयर्स, सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक, ये आपके सामने मैंने रखा। इस तरह से हम लोग नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने किया और कई बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक एंड क्रैनियल। नर्व्स में हम लोग पेरिफेरल को बांटते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, और इसके चारों ओर जो नर्व्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेरिफेरल हो गए और ये आपका सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये तरह से हम लोग नर्वस सिस्टम को किया। तो आज के लिए मैंने आपको रिसेप्टर, इफेक्टर और नर्वस सिस्टम के बारे में समझाया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यूरॉन की चर्चा होगी, ठीक है, किस तरह से न्यूरॉन के द्वारा जो है मैसेज ट्रांसफर। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कर लिया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास जाता रहे, उसका इन्फॉर्मेशन आप तक जाता रहे, हमारे वीडियो से जुड़ते रहें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे ही आप पढ़ाई जारी रखें, क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका, इसकी पूरी तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, पूरा प्रयास हमारा टीम जो है वो कर रहा है। तो हमसे जुड़ते रहें, आज के लिए इतना ही है।